नमस्कार। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर कक्षा दसवीं के लिए, किस प्रकार का जो नए डिजाइन से जो आपका पेपर आने वाला है वो उन्होंने हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल साइट के ऊपर जारी कर दिया है, तो हम आपके लिए उसकी डिस्कशन और सोल्यूशन आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पर हम उसका भाग दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे, किस तरह का वो रहने वाले हैं और आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि उसके ऊपर कोड लिखा होगा पेपर के ऊपर, कोड नंबर, जैसे ये जो पेपर जारी किया गया है इसके ऊपर 103 लिखा हुआ है, क्लास 10th, रोल नंबर आपने लिखना है। उसके बाद जो निर्देश है, कृपया जांच कर लें कि भाग दो के इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न 15 और प्रश्न 40 है, 15 पेजों के ऊपर कितने क्वेश्चन है, 40 है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें, जो वहां पर बॉक्सेस बने होते हैं वहां पर रोल नंबर लिखना जरूरी है। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है, आप एक बार जांच लें कि कोई मिस प्रिंट तो नहीं है। परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक एक एक अंक का है। तो ये सामान्य इसके ऊपर निर्देश होते हैं जो आपने पढ़ने हैं ध्यान से, और उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला जो उन्होंने दिया है वो है हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो किस तरह से है अभाज्य गुणनखंड, हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये देखिए कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 2 बच गया, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, 7 × 5 = 12, 14 × 15, फिर 3 पर जाएगा, 3 × 4 = 12, 25 × 3 = 75। आगे फिर देखिए कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा, तो 5 × 8 = 40, 2 × 25 = 25, फिर 5 पर जाएगा, 5 × 5 = 5, 17 × 5 = 85। इस प्रकार आप देख सकते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 17, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड और आपका एक नंबर पक्का। इसकी जगह पर फाइनल एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 के अंदर क्या है, 5 + 5 √5, 1 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो आपको कैसा नजर आ रहा है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको पता है जिसके ऊपर वर्गमूल लगा हो वो अपरिमेय संख्या होती है, ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या के अंदर कुछ भी जोड़े, कुछ भी गुणा करें, कुछ भी भाग करें, तो वो हमेशा कौन सी संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 5 = 1, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें कुछ गुणा, भाग अथवा योग करने पर भी अपरिमेय संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या रहती है। इसलिए 5 + 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अप्रमेय संख्या है। आप डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये जो वर्गमूल 5 है वो अप्रमेय संख्या है, कुछ जोड़े गुणा करे भाग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अप्रमेय ही रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 336 और 54 का HCF ज्ञात करें। इनका HCF निकालना है तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। 336 के गुणनखंड कीजिए, 2 पे गया, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, फिर 2 पे जाएगा, 8 दूनी 16 4, फिर 2 पे जाएगा 42, फिर 2 पे जाएगा 21, फिर 3 पे जाएगा 7। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले, 54 के भी कर ले अभाज्य गुणनखंड, 2 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा, तो 336 के गुणनखंड बन गए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 चार बार, फिर 3 फिर 7। इसी तरह 54 के 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। तो आप देख सकते हैं HCF क्या हो गया, इनके कॉमन गुणनखंड कौन से हैं, 2 है और क्या है 3 है, और कोई ज्यादा कॉमन इसके अंदर है नहीं, तो 2 गुना में 3 बराबर में 6 आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रमेय संख्या संख्या 64/455 दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है वो बताना है, क्या है शांत है या अशांत आवर्ती, शांत है या अशांत आवर्ती। तो किस प्रकार से करते थे हम, क्या करते थे, ऊपर अंश है नीचे हर है, हर के फैक्टर बनाएंगे 455 के, तो 455 के गुणनखंड कर ले, 5 10 14, 5 पे जाएगा 9, 9 5 45, फिर 7 पे जाएगा 13 7 91, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 को 5 गुना 7 गुना 13। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 7 भी है और 13 भी है, तो इसलिए कौन सा है ये दशमलव प्रसार अशांत अशांत आवर्ती। आपको यही चेक करना था, अगर 5 और 2 के 2 ही आते तो ये शांत होता, अब ये क्या है अशांत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 7x² - 3x + 1 के शून्यकों का योग डैश है। बहुत आसान, शून्य को के योग के लिए क्या फार्मूला है, शून्य को का योगफल रहता है -b/a, किसी मानक रूप के लिए -b/a, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1, तो -b/1, तो कितना आ गया 3/7, तो आंसर 3/7। तो यहां फिल इन दी ब्लैंक्स में आप लिख सकते हो 3/7। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
शून्य को का योग एक बटा तीन तथा गुणनफल माइनस एक बटा तीन है तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमने बताना है, तो आपको पता ही है क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल प्लस इसके साथ एक्स प्लस गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यहां पर कितना है, एक बटा तीन साथ में एक्स प्लस गुणनफल कितना है, माइनस एक बटा तीन, कितना है माइनस का एक बटा में तीन प्लस है तो यहां माइनस आ गया। अब आप इसको तीन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ये रहेगा आंसर, तो द्विघात बहुपद ये रहने वाला है ये उत्तर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या है हमारे पास, हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, चार बटा में तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर में आठ, दूसरा है दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर में बारह। तो ये हमारे पास दो समीकरण है, बताना क्या है इनके जो हल है वो संगत है या असंगत, तो ये हमें बताना है संगत है या असंगत। तो देखिए पहली समीकरण है हमारे पास चार बटा तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर में आठ, तो एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा तीन चार एक्स प्लस यहां पर छह वाई बराबर में आठ, चार एक्स प्लस छह वाई बराबर में कितना हो गया चौबीस, समीकरण नंबर एक। और ये हमारे पास कौन सी है दूसरी, तो यहां पर हम चेक करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाए तो वो इस तरह से बन जाएगी फोर एक्स प्लस छह वाई चौबीस को इधर ले आए बराबर में जीरो, दो एक्स प्लस तीन वाई बारह को इस साइड उठा के लिए, तो ये हमारे पास समीकरण है। तो ए वन बटा में ए टू अनुपात के द्वारा हम चेक करेंगे कितना आ गया चार बटा में दो मतलब काट के दो बटा में एक, इसी तरह बी वन बटा में बी दो ये छह है यहाँ पर तीन है तीन दूनी छह दो बटा में एक, सी वन बटा में सी दो माइनस चौबीस बटा में माइनस बारह माइनस से बारह कट गया तो दो बटा में एक, तो तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू बराबर है सी वन बटा सी टू, तीनों बराबर क्या है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हल क्या हुए संगत उत्तर। इस प्रकार ये सेवन सम, अब चलते हैं एट सम की तरफ। रैखिक समीकरणों रैखिक समीकरणों एस माइनस टी बराबर में तीन तथा एस बटा तीन प्लस टी बटा में दो बराबर में छह के हल है, पहला ए
ए कितना है, एस बराबर में 3, टी बराबर में कितना है 5, बी एस बराबर में 6 तो टी बराबर में 9, सी एस बराबर में 9 टी बराबर में 6 और डी हमारे पास है एस बराबर में 5 और टी बराबर में 3। तो चारों में से चेक करना है कौन सा इसका हल है। पहले तो देखिए यहां इससे ऑब्जर्व कीजिए आप, एस बड़ा है टी छोटा है, दोनों का अंतर 3 है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 3, तो ये 3 और 5 है तो ये तो गलत हो गया, एस और टी ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एस छोटा है टी बड़ा है, इसमें सूत्र करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। एस 9 है टी 6 है, एस 9 टी 6, 9 माइनस 6 बराबर 3 तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये 5 3 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर यही रहने वाला है, इसको चेक कर लेते हैं पुट करके, एस माइनस टी बराबर में 3, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 बराबर में 3, तो 3 बराबर में 3, इसमें फिट बैठ गया पहली में, दूसरी में भी चेक कर लेते हैं, एस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर में 6, तो एस की जगह 9 लिखें और टी की जगह 6 लिखें बराबर में 6, तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, तो 3 प्लस 3 बराबर में 6, तो 6 बराबर में 6, तो इसका आंसर कौन सा है सी, कौन सा सी है इसका आंसर। इस प्रकार आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है वो है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, तो इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में 0, तो गुणनखंड करेंगे इसके, देखिए इसके दो टुकड़े करेंगे जिनका योगफल कितना होना चाहिए माइनस एक्स और गुणनफल कितना होना चाहिए माइनस 12x स्क्वायर, यानी इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना, तो माइनस 12x, 4 और 3 इसके फैक्टर बनने वाले हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर में 0, तो इसके दो टुकड़े 4x बड़ा है तो वापिस यही आएगा, आप इसको हल करें तो इसके दो टुकड़े हमने कर दिए, क्या कॉमन आ गया 2x, तो 3x माइनस 2 क्या कॉमन आ गया प्लस का 1, 3x माइनस 2 बराबर में 0, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर में 0, तो ये इसके क्या है गुणनखंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0, तो ये 0 के बराबर है तो इसके क्या ज्ञात करने हैं का मूल, मूल ज्ञात करने हैं इनके, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0, तो यहां पर भी आप देखिए 6 दूनी 12x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो योगफल है वो तो होना चाहिए प्लस का x और जो गुणनफल है वो होना चाहिए माइनस 12x स्क्वायर, तो इसके भी 4 और 3 ही फैक्टर बनेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर में 0, तो यहां से 2x कॉमन ले ले, x प्लस 2 तो यहां से माइनस 3 कॉमन ले ले, x प्लस 2 तो इसके मूल हमने निकालने थे, तो मूल कैसे निकलेंगे बराबर में 0 कर देंगे, एक तो है x प्लस 2 बराबर में 0, दूसरा
2x माइनस थ्री, तो x की वैल्यू आ गई माइनस दो और इधर आ गई 3/2, तो x की वैल्यू माइनस दो और 3/2 उत्तर। तो ये 10वें सम का ये आंसर है। आगे चलते हैं 11वां जो पार्ट है, 11वां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 3x² + kx + 3 = 0 मूल समान हो तो k का मान है, तो k का मान ज्ञात करना है, मूल समान है। यदि अगर हम हल की बात करें, मूल समान हो तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विभक्तक जीरो होता है, d बराबर में 0, ये हमें दिया है। d मतलब d² - 4ac = 0, तो इसमें पुट कर देंगे अपने आप आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। तो यहां पर 3x² + kx + 3, तो b की वैल्यू a² - 4 × 3 × 3 = 0, तो k² = 36 - 36 = 0, तो k² = 36, k² और k की वैल्यू 36 का वर्गमूल, वर्गमूल प्लस और माइनस, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 6। तो यहां पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, a ऑप्शन में था +-6, b ऑप्शन में था +-3, c ऑप्शन में है +-9, d में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पापा ने कौन सा निकाल लिया, +-6, तो आंसर कौन सा है, ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, p के किन मानों के लिए x + y + 1 = 0 तथा 4x + py + 8 = 0 समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नहीं बराबर b1/b2। अद्वितीय हल है तो a1/a2 नहीं बराबर b1/b2। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे अपने आप आंसर हो जाएगा। तो ये समीकरण एक है, ये दो है, तो यहां a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू भी कितनी है, 1, a2 की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं, 4, b2 की वैल्यू कितनी है, p। तो यहां पुट कर दें, 1/4 नहीं बराबर 1/p। तो देखिए इसको रिवर्स कर दें,
चार नहीं बराबर पी, दिस इज द आंसर। पी चार को छोड़कर सभी आंसर है, तो पी चार के बराबर नहीं हो सकता, यही आंसर है, बाकी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सावर सारो अंतर ज्ञात कीजिए। एपी 4.1-2-5 का जो सार्व अंतर ज्ञात करो। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, समांतर श्रेणी चैप्टर से है, जरूर आएगा एक क्वेश्चन, सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरी जो संख्या है उससे पहली या दूसरा पद है उससे पहला पद आप माइनस कर दें, तो दूसरा पद क्या है 1, पहला पद क्या है 4, तो कितना आ गया माइनस का 3। बहुत आसान है, बस ध्यान पूर्वक आप करते जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एपी 5, 12, 19 का चौदवा पद डैश है। तो चौदवा पद ज्ञात करना है, तो यहां पर ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करें तो 12-5 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो एन हमारे पास 14 है, ए एन यानी ए 14 हमें ज्ञात करना है। तो ए 14 कैसे निकाला जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 13d इस फॉर्मूले के द्वारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें पुट कर दें। ए 14 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए प्लस 13d, ए हमारे पास 5 है, 13d कितना है 7 है, तो 5 + 13 = 91, 91 और 5 = 96 आंसर। तो आज के लेक्चर में आपके लिए पहले 14 सम, फिर दूसरा और तीसरा लेक्चर भी बनाएंगे, तो आप देखते रहिए, हमारे से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आपको सैंपल पेपर करवाया जा रहा है, इस जैसा ही फाइनल पेपर आने वाला है, तो आपका बहुत बहुत